उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। मौर्य जी, मायावती जी ने कल अंबेडकर नगर में रैली की, उन्होंने बोला कि अगर जनता चाहेगी तो वो दिल्ली जाएंगी, प्रधानमंत्री बनने के संकेत दिए उन्होंने। देखिए, मैं जहाँ तक जानता हूँ उसके हिसाब से अब उत्तर प्रदेश की वो दोबारा मुख्यमंत्री भी नहीं बन सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी का एहसान माने कि उनको शून्य से शिखर तक ले जाने का काम किया, और जो रास्ता उन्होंने अपनाया है वह रास्ता 2014 वाला है, जहाँ बसपा को एक तरह से मैं कहूँ कि जीरो पर आउट होने की स्थिति आ जाए तो कोई असर मत करिए। अखिलेश यादव भी इस चीज़ को इंडिकेट कर चुके हैं, वो कह चुके हैं कि उनको अच्छा लगेगा अगर कोई महिला देश का नेतृत्व करेगी, उन्होंने मायावती की तरफ इंडिकेट किया। देश मजबूत सरकार चाहता है, देश मजबूर सरकार नहीं चाहता, कमज़ोर सरकार नहीं चाहता, और देश के पास मोदी जी जैसा मजबूत नेतृत्व है, और मोदी जी का विकल्प केवल मोदी जी हैं। मोदी जी का विकल्प न मायावती जी हैं, न अखिलेश यादव जी हैं, न राहुल गांधी जी हैं। देश ने ठान लिया है कि मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे, क्योंकि देश को दुनिया में नंबर एक बनाना है। केशव जी, 5 फेजेस की पोलिंग हो गई है, 2 चरण के चुनाव बाकी हैं, क्या लगता है आपको अभी? मेरा पूरा अनुमान है हम उत्तर प्रदेश में 73 पार करेंगे और देश में 300 पार अकेले बीजेपी पार करेगी, और हम एनडीए के साथ 400 से अधिक। आंधी ने जो चल रही थी अब इस समय सुनामी का रूप धारण कर लिया है, कहीं ना गठबंधन टिक पा रहा है, ना कांग्रेस टिक पा रही, ना कोई विरोधी दल टिक पा रहे। चुनाव जनता लड़ने लगी है, पहले हमारा केवल संगठन लड़ रहा था, लेकिन जनता ने इस चुनाव को मोदी जी को जैसे एकदम आत्मसात कर लिया है लोगों ने। रायबरेली और अमेठी को लेकर कितना आश्वस्त है कल वहाँ पर? पूरी तरह से देखिए, अमेठी में तो राहुल गांधी जी का हारना मैं बहुत पहले कह चुका हूँ, अमेठी रायबरेली में जरूर जानता हूँ टक्कर है, लेकिन टक्कर में भाजपा का कमल खिलेगा। एक आखिरी सवाल है केशव जी आपसे, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी जी को भ्रष्टाचारी नंबर वन बोला, कांग्रेस इसको लेके इलेक्शन कमीशन गई, कांग्रेस कह रही है कि एक शहीद का अपमान कर रहे हैं, प्रधानमंत्री एक लो लेवल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नहीं, प्रधानमंत्री जी जो भी बोलते हैं बहुत सोच समझ करके बोलते हैं, कांग्रेस की ओर से जो बोला जाता है वह प्रधानमंत्री जी के बारे में पहले कांग्रेसी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो आप शब्द कहने वाले बयान हैं उस पर पहले जवाब दें, बाकी कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिर कहा है अगर इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ना है तो लड़े आगे, कांग्रेस भाजपा लड़ने को तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का साफ तौर पर कहना है कि मायावती अब कभी मुख्यमंत्री भी नहीं बन सकती हैं, प्रधानमंत्री बनने की बात तो छोड़ें। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है कि इस बार पिछली बार जो मोदी लहर थी वो सुनामी में तब्दील हो गई है, और बीजेपी एक काफ़ी बड़ी जीत इस चुनाव में हासिल करने जा रही है। लखनऊ में कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ नीलांशु शुक्ला।